अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको गोभी गोश्त बनाने की रेसिपी दूंगी जो कि बहुत ही मज़े की ये रेसिपी से तैयार होता है। वेरी सिंपल ये रेसिपी है। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ इसमें जो जो चीज़ें ऐड करते हैं। गोभी मैंने फ्रोज़न ली है, फ्रोज़न लेकर मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको मैंने माइक्रोवेव में कुक होने के लिए रख दिया है। ये तकरीबन आधी हमारी गोभी वैसे ही गल चुकी है, ये देखें। तो ये बड़े बड़े पीस थे मेरे पास। अगर आप फ्रेश भी लेंगी तो आप इसी तरह उसको काट के 10 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव में डाल दें और उसको कुक होने के लिए रख दें, तो आपका गोभी पकाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ये देखें कैसे आराम से टूट रही है। बस जब मैं इसको दम के लिए रखूंगी इसके छोटे छोटे पीसीस करके, तो गोश्त भून के मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और ये मेरे पास लैम का मीट है, देखें ये लैम का मीट मैंने लिया है तकरीबन हाफ किलो के करीब है। चिली पाउडर, टर्मिक पाउडर है और कोरिएंडर पाउडर है मेरे पास। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, सॉल्ट है, ये ऑनियन दो लिए हैं स्मॉल साइज के, चिली मैंने दो ली है स्मॉल साइज की, एक टोमेटो से नॉर्मल साइज का लिया। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप अपने गोभी को इस तरह पहले से काट के रख लेंगी तो और माइक्रो में आधी कुक कर लेंगी तो आपकी जो कुकिंग है वो ज्यादा ईजी हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास एक पैन मैंने लिया है। मेरी कोशिश होती है कि मैं नाज़रीन को, अपने देखने वाली वालों को, सबको यही कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी जो भी आप खाना बनाए वो अच्छे तरीके से बने, मज़े का भी बने और आपका टाइम भी ना लगे। गोभी गोश्त में हम थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड करेंगे, वो इस वजह से कि इसमें थोड़ा ऑयल निकला हुआ हो तो अच्छा लगता है। तो इसके अंदर मैं ऑनियन शामिल इसके अंदर ऐड किए हैं। बस हमने इसको रेड नहीं करना ऑनियन को, बस हमने लाइट सा इसको सॉफ्ट सा करना है, क्योंकि बाद में भी हम इसको भूनेंगे मीट को। मैं इस वजह से डबल डबल इस तरह आपको ये बताती हूँ रेसिपी के, अक्सर मीट में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे पाकिस्तान जैसा हिसाब नहीं है। जैसे हमारी अपनी कंट्री में बड़ा अच्छा मीट मिल जाता है, लैम का लें या फिर शीप का लें तो कोई उसमें स्मेल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हमसे वो खाया नहीं जाता। इस वजह से मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उसको आपको जो भी बताऊँ रेसिपी तो आपकी भी उसी तरीके से बने। तो फिर हमने इसके अंदर देखे ये शामिल कर देना है, साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी जीरा पाउडर। से सिर्फ जीरा पाउडर डालना है, नमक मिर्चे हम बाद में ऐड करें, ठीक है। और ये मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 जो है वो टेबल स्पून का जिंजर एंड गार्लिक डालेंगे, क्योंकि गोभी में जिंजर जो है थोड़ा ज़्यादा ही गलता है। बस हमने इसको अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए इसको भूनना है। 1-2 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर आप पानी ऐड कर दें और इसको गलने के लिए छोड़ दें। जो प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं वो प्रेशर में गला लें, और जो वैसे नॉर्मल खाना का प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करते वो बस इसको ऐसे ही गलने के लिए छोड़। अब देखिए इसका थोड़ा सा कलर मीट का चेंज होता है, तो इस सूरत में हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। इतना पानी डालेंगे जितने में ये गोश्त तकरीबन 5-10 मिनट का मैं इसको प्रेशर कुकर लगाऊंगी, और आप इसको वैसे बस ढक के रख दें हल्की आँख पे ताकि ये आपका मीट जो है वो गल। हाँ जी, तो ये देखें गोश्त को हमने तकरीबन, ये देखें इसका सूप भी निकल आया अच्छे तरीके से जो पानी डाला था, तो ये गल भी चुका है। इसको हमने हाफ कुक किया है, फुल कुक नहीं किया, क्योंकि अभी इसमें पानी है तो पानी इसका सर ड्राई करते वक्त तो ये ज़्यादा कुक नहीं करेंगे वो, इसलिए कि जब भूनेंगे फिर पानी ड्राई होगा, टमाटर डालेंगे उसका पानी निकलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा हरीसा नहीं करना। गोभी गोश्त में किसी भी सब्जी में आप जब भी अपना मीट इस्तेमाल करें, जब भी लैम का या फिर शीप का या जो भी आप यूज़ करें, तो आपने उसको ज़्यादा सब्जी डालते वक्त उसको ज़्यादा कुक नहीं करना, उसको इतना कुक कीजिएगा कि बस उसमें थोड़ी सी कसर रहनी चाहिए ताकि आपके वो पानी ड्राई हो ले, ताकि वो जो कसर उसमें रह गई है वो पूरी हो जाए। ये सारे मसाले अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। हल्दी, जीरा पाउडर मैंने पहले डाल दिया था, हल्दी है, कोरिएंडर है और रेड चिली है, और ये टमाटर,
ये सारा कुछ मैंने इसके अंदर डाल के अब इसका पानी ड्राई करना है और इसका ऑयल निकलेगा। हरी मिर्चे और हरा धनिया जो है हम वो बाद में एंड में यूज करेंगे गार्निश के लिए। अभी हम इसका पानी ड्राई करते हैं। तो बस ये देखिए हमारा आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली जो है ये तेज आग पे मैंने छोड़ दिया, इसका पानी कुछ हो रहा है। तो आज अब बारी है हमारे आज के टिप की। आज का जो टिप है वो हमारा बहुत ही कारगर टिप्स है लेडीज के लिए भी और जेंट्स के लिए भी। वो इसलिए कि आज का टिप जो है वो ये है कि मोटापे के लिए कि बहुत ज़्यादा हम लोग ये ऑयली फूड, हमारे जो फूड है वो ऑयली बहुत ज़्यादा होते हैं। करियाँ जो हैं ये इसके अंदर मसाले बहुत गलते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसको हम कंट्रोल करने के लिए, मोटापा कंट्रोल करने के लिए हम ये करते हैं कि मैं ऑलवेज यही करती हूँ कि आप ग्रीन टी ले लें। ग्रीन टी लेके आपने ये करना है कि एक कप में तकरीबन आप हाफ टी स्पून से भी नहीं, बस पिंच, दो पिंच आपने डालनी है, बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में आपने। मैं आपको किसी दिन अपनी रेसिपी में ज़रूर बताऊंगी। बस आपने ये करना है कि थोड़ी सी आपने ग्रीन टी लेनी है, एक कप में डालनी है, उसके अंदर एक आपने इलायची डालनी है। और अगर आप सॉल्ट पसंद करती हैं तो सॉल्ट उसके अंदर डालें। अगर आप शुगर पसंद करती हैं तो आप शुगर उसके अंदर डालें। फिर आपने ये करना है कि गरम पानी जो है वो आपने केटल में गरम करना है और वो आपने उसके अंदर डाल देना है, ठीक है। उसको आप मिक्स करें, मिक्स करते करते वो उसका कलर जो है वो निकल आएगा। और आपने ये करना है कि अब कोशिश किया करें कि जो भी आप खाएं खाना, जो भी आप ऑयली खाना या कुछ भी जंक फूड होता है ये वाला खाएं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो ये चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं। कुछ भी आप खाएं, आपने ये अपनी रूटीन बना लेनी है कि आपने वो कैमा का कप जो है वो आपने ज़रूर पीना। इससे ये होगा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ठीक रहेगा। और फिर इसके अलावा आपका जो कुछ लेडीज़ का पेट निकल आता है वो बहुत परेशान होती हैं, जी हमारा मोटी हो गई है, हमारा पेट भी अंदर जा रहा है। तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देखें। आप सिर्फ एक मंथ रेगुलर एक कप टी का आपने हर खाने के बाद लेना है। आप कुछ भी खाएं आपने वो टी नहीं भूलनी। सिर्फ सिंपल है, बहुत सिंपल है। सामने आप एक इलायची और आपने कावा का जो जिसमें आप रखेंगे वो अपने सामने रखें किचन में, ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये पीना है। आप ये टिप मेरा ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए, ज़रूर कारामद होगा। बहुत सारे लोगों ने ये इस्तेमाल किया है, बहुत लोग इससे हैप्पी हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसे पेट भी नहीं निकलता। मैं उम्मीद करती हूँ आज का आपको मेरा टिप बहुत पसंद आया होगा। चलिए आप देखते हैं कि हमारा ये देखिए ये तकरीबन टमाटर हमारे ये गल चुके हैं, लेकिन अभी पानी स्टिल इसके अंदर है। अभी हम पूरा पानी इसका ड्राई करेंगे। देखें अभी मैंने इसकी भुनाई भी नहीं की, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मसाला डाला है। तो इसकी कितनी अच्छी शक्ल निकल आई। आप सोचे कि अगर इसका कलर इतना अच्छा मीट का निकला है तो ये खाने में कितना मज़े का होगा। हाँ जी नाज़रीन, तो आप देख सकती हैं कि मैंने ये मीट अच्छी तरह से इसको भून लिया है, ऑयल भी इसका सही तरह से निकला है, सारा मसाला गल चुका है। अब इस सूरत में मैं इसके अंदर गोभी शामिल करूँगी। बाद में इसके छोटे छोटे पीस कर लें। बस अभी ये गोभी जो है अपना पानी छोड़ेगी, तो हमने इसको तेज आग पे इसका जितना पानी निकलेगा वो हमने ड्राई कर लेना है। तो बाद में हम इसको बहुत धीमी आंच करके इसके अंदर हरी मिर्ची और हरा धनिया डालेंगे गार्निश के लिए। और फिर इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल स्लो हीट पे रखेंगे ताकि ऑयल इसका अच्छे तरीके से निकल जाए। तो मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने इसको खुले मुंह वाले पैन में डाल लिया, ताकि गोभी को हमेशा आप प्रेशर कुकर जब मीट को लगा लें तो फिर आप दूसरी देचकी में ज़रूर उसको
पलट दीजिएगा, क्योंकि अगर गोभी एक ऐसी चीज है कि एकदम से हरीसा हो जाती है, तो हरीसा हुई हुई गोभी जो है वो अच्छी नहीं लगती, हमेशा खिली खिली गोभी गोश्त जो है वो मजे का लगता है। ठीक है, अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, जितना पानी था ड्राई करके मैंने इसको अच्छी तरह भूनी है। भूनने के बाद हम गार्निश के लिए इसके ऊपर ये देखें कोरिएंडर और ग्रीन चिली जो मैंने काट के रखी थी वो मैंने ऐड करनी है। कोरिएंडर जरा आप ज़्यादा डालिएगा, इसकी खुशबू है जो बहुत अच्छी खानों में लगती है। मैं हमेशा अपने खाने में कोरिएंडर जो है हरा धनिया ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू ही खाने में बहुत मज़े की लगती है। देखिए बहुत मजे की हमारे गोभी गोश्त रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी।